सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो फ्रेंड्स, मैं रेनू स्वागत करती हूँ आप सभी भावी अध्यापक एवं अध्यापिकाओं का आपके अपनी चैनल टारगेट यूपी टेट सी टेट में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपके सामाजिक अध्ययन विषय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को पढ़ने वाले हैं और जितने भी क्वेश्चन इस वीडियो में आपको मिलेंगे वो सभी आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत बहुत महत्वपूर्ण है दोस्तों, तो प्लीज आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर वन से। क्वेश्चन नंबर वन है, भारत सेवक समाज के संस्थापक थे। तो भारत सेवक समाज के संस्थापक कौन थे? बिपिन चंद्र पाल, लाला लाजपत राय, गोपाल कृष्ण गोखले या फिर बाल गंगाधर तिलक। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन सा, गोपाल कृष्ण गोखले। इसके बाद क्वेश्चन नंबर टू है, किस राज्य के कुल भौतिक क्षेत्र के सबसे कम भाग पर वनों का विस्तार पाया जाता है? ऐसा कौन सा राज्य है जिसमें सबसे कम वन है उसके क्षेत्रफल की दृष्टि से? गुजरात, हरियाणा, राजस्थान या फिर बिहार। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ब, हरियाणा। हरियाणा में आपको इसके क्षेत्रफल के हिसाब से यहाँ पर वन बहुत कम पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर थ्री है, देश के सर्वाधिक क्षेत्रफल पर पाए जाने वाले वन हैं, आर्द्र मानसूनी वन, उष्णार्द्र सदाबहार वन, उष्णार्द्र पतझड़ वन या फिर दलदली वन। तो राइट आंसर है ऑप्शन ब, उष्णार्द्र सदाबहार वन। क्वेश्चन नंबर फोर है, मौसम कैसे बनता है? पृथ्वी के परिक्रमण के कारण, पृथ्वी के घूर्णन के कारण, उदग्र से 23.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण या फिर 36 से 66.5 डिग्री अंश पर धुरी के झुकाव के कारण। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। क्वेश्चन नंबर फाइव है, आर्कटिक विलो है पर्वत का नाम, वन का नाम, बांध का नाम या झाड़ी का नाम? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, झाड़ी का नाम। क्वेश्चन नंबर सिक्स है, सीसी का नाम है एक प्रकार के मच्छर का, एक प्रकार की मछली का, एक प्रकार की मक्खी का या एक प्रकार के कुत्ते का? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, एक प्रकार की मछली का नाम है सीसी। क्वेश्चन नंबर सेवन है, मलेरिया की दवा कुनैन बनाई जाती है, किससे बनाई जाती है? मदार के पत्तों से, भांग के पत्तों से, नीम के वृक्ष की छाल से या सिनकोना वृक्ष की छाल से? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, सिनकोना वृक्ष की छाल से। क्वेश्चन नंबर एट है, पंचशील सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है, पंचशील के सिद्धांतों में सबसे महत्वपूर्ण है प्रादेशिक अखंडता एवं संप्रभुता का पारस्परिक सम्मान, अनाक्रमण, अहस्तक्षेप या शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द, शांतिपूर्ण सह अस्तित्व तथा समानता और पारस्परिक कार्य। क्वेश्चन नंबर नाइन है, सत्यार्थ प्रकाश रचना है किसकी? स्वामी दयानंद सरस्वती की, स्वामी विवेकानंद की, राजा राम मोहन राय की या रामकृष्ण परमहंस की? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, स्वामी दयानंद सरस्वती की रचना है सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर टेन है, नाना साहब दत्तक पुत्र थे, नाना साहब दत्तक पुत्र थे किसके दत्तक पुत्र थे? बाजीराव के, रानी लक्ष्मीबाई के, तात्या टोपे के या फिर शिवाजी के? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, बाजीराव के। क्वेश्चन नंबर इलेवन है, हिंदुस्तान सामाजिक स्वाधीनता संगठन यानी कि हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन का गठन किया गया चंद्रशेखर आजाद द्वारा, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा, भगत सिंह द्वारा या फिर राजगुरु द्वारा? दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन ब, राम प्रसाद बिस्मिल द्वारा। क्वेश्चन नंबर 12 है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक हैं भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या फिर सचिंद्रनाथ सान्याल? तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन द, सचिंद्रनाथ सान्याल। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय पांडिचेरी कब्जे में था किसके? पुर्तगाल के, इंग्लैंड की महारानी के, फ्रांस के या फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, पुर्तगाल के। क्वेश्चन नंबर 14 है, 2001 से 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में कितने प्रतिशत की 10 की वृद्धि हो रही है? तो 2001 से लेकर के 11 की जनगणना यानी कि 2011 में जो जनगणना हुई थी उसमें उत्तर प्रदेश की जो जनसंख्या है वो कितने परसेंट से 10 की वृद्धि से बढ़ रही है, या फिर ये कह सकते हैं कि कितने परसेंट की 10 की वृद्धि
उत्तर प्रदेश की जनसंख्या में हो रही है तो 21.54%, 25.61%, 20.09% या फिर 25.4%। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, 20.19% की दर से उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी की जनसंख्या बढ़ रही है। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सर्वप्रथम कारण क्या है? दोस्तों सबसे बड़ा कारण जो है हमारे अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का, वो है हमारे देश की एक विशाल जनसंख्या। हमारे देश की जनसंख्या विश्व के दूसरे नंबर की सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश हमारा देश, तो इस वजह से यहाँ पर यह भी क्या अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का एक प्रमुख कारण है। क्वेश्चन नंबर 16 है, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब की गई थी? तो आपको अच्छे से पता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को की गई थी, तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है, 24 अक्टूबर 1945। क्वेश्चन नंबर 17 है, प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता की गारंटी कौन सा अनुच्छेद देता है या कौन सा अनुच्छेद होता है? अनुच्छेद 27, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 20 या फिर अनुच्छेद 21? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, अनुच्छेद 21। क्वेश्चन नंबर 18 है, हिमालय पर्वतमाला की सर्वोच्च चोटी है एवरेस्ट, कंचनजंगा, गाडविन ऑस्टिन या फिर नंदा देवी? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, एवरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 19 है, कौन सा तत्व किसी स्थान विशेष की जलवायु को प्रभावित नहीं करता है? पर्वतों की स्थिति, भूमध्य रेखा से दूरी, खनिज संपदा या फिर प्राकृतिक वनस्पति? तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन सा, खनिज संपदा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत छोड़ो आंदोलन प्रारंभ किया गया 1946 में, 1942 में, 1930 में या 1932 में? राइट आंसर है ऑप्शन ब, 1942 में। क्वेश्चन नंबर 21 है, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद प्रथम सफल सत्याग्रह आंदोलन कहां पर प्रारंभ किया था? दांडी में, खेड़ा में, बारदोली में या चंपारण में? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, चंपारण में। क्वेश्चन नंबर 22 है, थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? थियोसोफिकल सोसाइटी का निम्नलिखित में से किससे विशेष संबंध रहा है? सविनय अवज्ञा आंदोलन, बहिष्कार एवं स्वदेशी, असहयोग आंदोलन या फिर होम रूल? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, होम रूल। क्वेश्चन नंबर 23 है, वायुमंडल का भार सर्वाधिक किस मंडल पर होता है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल या फिर ओजोन मंडल? तो आप सभी को पता है कि सबसे नीचे कौन होता है? क्षोभ मंडल होता है और क्षोभ मंडल पर ही सर्वाधिक भार होता है। क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत के उत्तरी राज्यों में शीत ऋतु में वर्षा किस प्रकार की होती है? संवहनी, मानसूनी, चक्रवाती या फिर पर्वतीय? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, पर्वतीय। क्वेश्चन नंबर 25 है, उत्तर प्रदेश की 3 परियोजनाओं में से कौन पेयजल परियोजना नहीं है? गोकुल बैराज परियोजना, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, लवकुश गंगा बैराज परियोजना या फिर आगरा बैराज परियोजना? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पर है ऑप्शन ब, ज्ञानपुर पंप नहर परियोजना, ये पेयजल परियोजना नहीं है। क्वेश्चन नंबर 26 है, उत्तर प्रदेश के दिया सलाई उद्योग का प्रमुख केंद्र है सहारनपुर, मुरादाबाद, मिर्जापुर या फिर बरेली? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, बरेली। क्वेश्चन नंबर 27 है, उत्तर प्रदेश का प्रमुख लोक गीत है बिरहा, धमार, ठप्पा या डांडिया? राइट आंसर है ऑप्शन अ, बिरहा। बिरहा उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख लोक गीत है, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 28 है, लखनऊ में किस महिला नेत्री ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? बेगम हजरत महल ने, रानी लक्ष्मीबाई ने, रानी अवंतीबाई ने या फिर इनमें से कोई नहीं? दोस्तों यहाँ पर कहा गया है कि लखनऊ की किस महिला वीरांगना ने क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था अंग्रेजों के खिलाफ? तो यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन अ, बेगम हजरत महल। क्वेश्चन नंबर 29 है, राजा कुंवर सिंह संबंधित है, आप देखिए दो सालों में ये क्वेश्चन पूछा गया है, 16 में फिर 18 में, तो आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों राजा कुंवर सिंह संबंधित थे कानपुर से, जगदीशपुर से, रामपुर से या दिल्ली से? राइट आंसर है ऑप्शन ब, जगदीशपुर से संबंधित थे राजा कुंवर सिंह, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना कब की थी? 1870 में, 1872 में, 1875 में या 1880 में? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, 1875 में। क्वेश्चन नंबर 31 है, साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट कब प्रस्तुत की थी? 1922 में, 1924 में, 1928 में या 1930 में? दोस्तों इसमें से कोई भी आंसर सही नहीं है, इसीलिए मैं बहुत ही अच्छे से आप लोगों को ये पूरा वीडियो पढ़ा रही हूँ। आप लोग हर एक क्वेश्चन को एक बार फिर से देख करके समझ लीजिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन यहाँ पर गलत है। तो देखिए,
साइमन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी 8 नवंबर 1927 को, ठीक है, 8 नवंबर 1927 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, लेकिन यहाँ पर कहीं कहीं भी करेक्ट आंसर नहीं दिया हुआ है, लेकिन आप लोग डेट याद रखिए, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 32 है, राष्ट्र मेरा धर्म है जनसेवा मेरी पूजा, यह मिशन था बिपिन चंद्र पाल का, गोपाल कृष्ण गोखले का, लाला लाजपत राय का या पंडित जवाहरलाल नेहरू का। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, लाला लाजपत राय का ये कथन था। क्वेश्चन नंबर 33 है, देश बंधु कहे जाते हैं, यानी कि देश बंधु की उपाधि किसे मिली थी, चितरंजन दास को, मदन मोहन मालवीय को, सुभाष चंद्र बोस को या मोतीलाल नेहरू को। तो देश बंधु चितरंजन दास, इनके नाम के आगे लगा था देश बंधु, तो ऑप्शन आ याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे, पी आर अम्बेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, गोविंद वल्लभ पंत या फिर सी राजगोपालाचारी। आपको अच्छे से पता है कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल, ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 35 है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को क्या कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट परिभाषा है, किसी स्थान पर लंबे समय तक पाए जाने वाली मौसमी दशाओं को हम क्या कहते हैं, मौसम, जलवायु, ऋतु या फिर मानसून। तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, जलवायु, जिसको आप याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किसी स्थान पर लंबे समय तक बने रहने वाले या लंबे समय तक पाए जाने वाले मौसमी दशाओं को हम वहां की जलवायु कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 है, सुनामी घटना कब घटित हुई थी, 1999 में, 2001 में, 2004 में या 2005 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, 2004 में। क्वेश्चन नंबर 37 है, बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है, सीसा का, तांबा का, जस्ता का या एल्यूमिनियम का। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन द, एल्यूमिनियम का, बॉक्साइट एल्यूमिनियम का अयस्क है। क्वेश्चन नंबर 38 है, कोलार की खानों का संबंध किस धातु के उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों कोलार की खान कोयले की खान है, लेकिन इसमें कौन सी धातु मिलती है, आपको भी पता है कोलार की खानों में सोना धातु मिलती है, तो इसीलिए यहाँ पर धातु पूछा गया है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन आ, सोना। क्वेश्चन नंबर 39 है, सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या किस प्रदेश में है, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक या बिहार। तो सबसे अधिक चीनी मिलों की संख्या महाराष्ट्र में है, तो ऑप्शन बा बिल्कुल सही होगा, कहीं कहीं आपको उत्तर प्रदेश में मिलेगा, लेकिन अभी फिलहाल वर्तमान समय में महाराष्ट्र ही सही है। दोस्तों इस तरीके से यहाँ पर महाराष्ट्र राइट आंसर होगा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 40 है, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय कहाँ स्थित है, नई दिल्ली में, जिनेवा में, न्यूयॉर्क में या फिर रोम में। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रधान कार्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 41 है, हथकरघा उद्योग है कुटीर उद्योग, रसायन उद्योग, आधारभूत उद्योग या फिर लघु उद्योग। तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, कुटीर उद्योग। क्वेश्चन नंबर 42 है, महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा किसने कहा था। तो महात्मा गांधी को सर्वप्रथम महात्मा कहा था रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने, रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने इन्हें क्या कहा था, महात्मा कहा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, मैं एक क्रांतिकारी के रूप में कार्य करता हूं, यह कथन किसका है, लाला लाजपत राय का, भगत सिंह का, जवाहरलाल नेहरू का या फिर सरदार वल्लभ भाई पटेल का। तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन सा, जवाहरलाल नेहरू का कथन है ये। क्वेश्चन नंबर 44 है, कैसरे हिंद की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था। तो कैसरे हिंद की उपाधि मिली थी महात्मा गांधी जी को, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 45 है, एमडीएम की व्यवस्था है केवल प्राथमिक विद्यालयों में, केवल उच्च प्राथमिक विद्यालयों में या फिर आवाबा दोनों। आपको पता है कक्षा एक से लेकर के कक्षा आठ तक के सभी बच्चों को एमडीएम मिलता है स्कूलों में, तो ऑप्शन आ व बा दोनों ही सही है, तो ऑप्शन सा जो है आ व बा दोनों ही बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 46 है, मंगल पांडे ने अंग्रेजी अधिकारियों की हत्या कब की थी, 3 अप्रैल 1858 में, 6 अप्रैल 1857 में, 8 अप्रैल 1857 में या फिर 6 अप्रैल 1858 को। दोस्तों 6 अप्रैल 1857 को उन्होंने अंग्रेज अधिकारियों की हत्या की थी और 8 अप्रैल 1857 को इनको फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 47 है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब हुई थी, 1882 ईस्वी में, 1828 ईस्वी में, 1897 ईस्वी में या फिर 1902 ईस्वी में। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना हुई थी 1897 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 48 है, राजा राम मोहन राय कौन थे। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको पता है,
तो ऑप्शन आ जो है ये बिल्कुल सही है। इसके अलावा उन्होंने सती प्रथा का घोर विरोध किया था और इन्हीं की वजह से सती प्रथा हमारे देश में खत्म हो पाई। क्वेश्चन नंबर 49 है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वामी दयानंद सरस्वती या फिर स्वामी विवेकानंद? तो स्वामी दयानंद सरस्वती आर्य समाज के संस्थापक हैं, जबकि स्वामी विवेकानंद रामकृष्ण मिशन के संस्थापक हैं। क्वेश्चन नंबर 50 है, संयुक्त राष्ट्र संघ के अंग है महासभा, सुरक्षा परिषद, सचिवालय या फिर उपयुक्त सभी? तो राइट आंसर है ऑप्शन द, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 51 है, आर्य समाज का प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? सत्यार्थ प्रकाश, रामचरित मानस, दोनों या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, सत्यार्थ प्रकाश। क्वेश्चन नंबर 52 है, 1857 का स्वाधीनता संग्राम एक सैनिक क्रांति थी, यह कथन किसका है? सर जॉन लॉरेंस का, जेम्स आउट्रम का, LER रोज का या फिर SN सेन का? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, सर जॉन लॉरेंस का ये कथन है। क्वेश्चन नंबर 53 है, सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ था? लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड लॉरेंस या फिर राजा राम मोहन राय? आपको अच्छे से पता है कि सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन के अथक प्रयासों से ही संभव हुआ था। क्वेश्चन नंबर 54 है, दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कब बनाए गए थे? 1886 में, 1905 में, 1828 में या फिर कोई नहीं? दादा भाई नौरोजी राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष बनाए गए थे 1886 में। दादा भाई नौरोजी को ही हम क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 55 है, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया कहा जाता है गोपाल कृष्ण गोखले को, सुरेंद्रनाथ बनर्जी को, दादा भाई नौरोजी को या फिर फिरोज शाह मेहता को? तो अभी मैंने आपको बताया कि दादा भाई नौरोजी को हम क्या कहते हैं, ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया। क्वेश्चन नंबर 56 है, रामकृष्ण मिशन के संस्थापक कौन थे? स्वामी विवेकानंद, इसका आंसर अभी मैंने आपको बताया है। क्वेश्चन नंबर 57 है, भारत में सती प्रथा का अंत किसने किया? तो भारत में सती प्रथा का अंत राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया, ऑप्शन आ बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 58 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पूर्ण स्वराज्य प्राप्त करने का लक्ष्य कब घोषित किया गया था? 1920 में, 1929 में, 1930 में या फिर 1942 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, 1929 में पूर्ण स्वराज प्राप्त करने का लक्ष्य रखा गया था। क्वेश्चन नंबर 59 है, भारत भारतीयों के लिए यह नारा किसने दिया था? आर्य समाज ने, ब्रह्म समाज ने, महात्मा गांधी ने या प्रार्थना समाज ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, आर्य समाज ने भारत भारतीयों के लिए है यह नारा रखा था। क्वेश्चन नंबर 60 है, राष्ट्रीय युवा दिवस किससे संबंधित है? आपको पता है हमारे देश में हर वर्ष 12 जनवरी को राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जाता है स्वामी विवेकानंद जी के जन्मदिवस के अवसर पर। क्वेश्चन नंबर 61 है, खिलाफत दिवस कब मनाया जाता है? 17 अक्टूबर, 23 नवंबर 1919, 1 अगस्त 1920 या फिर 19 अक्टूबर 1920? तो 17 अक्टूबर 1919 के दिन खिलाफत दिवस मनाया गया था और इसी को ध्यान में रख करके खिलाफत दिवस 17 अक्टूबर को हर साल मनाया जाता है। तो 17 अक्टूबर खिलाफत दिवस के रूप में मनाया जाता है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 62 है, ब्रह्म समाज का प्रतिज्ञा पत्र किसने तैयार किया था? देवेंद्रनाथ ठाकुर जी ने, दयाल दास जी ने, स्वामी नायकर ने या फिर पंडित नेहरू ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, देवेंद्रनाथ ठाकुर ने। क्वेश्चन नंबर 63 है, स्वराज पार्टी का गठन कब हुआ था? 1 जनवरी 1923 को, 2 जनवरी 1924 को, 1 फरवरी 1923 को या 1 जनवरी 1924 को? तो स्वराज पार्टी का गठन 1 जनवरी 1923 को हुआ था, सही कर लीजिएगा आप लोग, 1 जनवरी 1923 को इसका गठन हुआ था, याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 64 है, खिलाफत आंदोलन की स्थापना कब और किसने की थी? 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने, 1919 में मोतीलाल नेहरू ने, 1920 में लाला लाजपत राय ने या कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, 1919 में शौकत अली और मोहम्मद अली जिन्ना ने खिलाफत आंदोलन की स्थापना की। क्वेश्चन नंबर 65 है, मंगल पांडे को फांसी कब दी गई? 6 अप्रैल 1857 को, 8 अप्रैल 1857 को, 6 अप्रैल 1858 को या 8 अप्रैल 1858 को? मैंने आपको बताया था कि 6 अप्रैल 1857 को उन्होंने अंग्रेजी अधिकारी की हत्या की और 8 अप्रैल 1857 को उनको फांसी दे दी गई, यानी कि 6 तारीख को उन्होंने अंग्रेज अधिकारी को मारा और 8 को उनको फांसी दे दी गई, मतलब दूसरे ही एक दिन छोड़कर के दूसरे दिन उनको फांसी दे दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 66 है, प्रजातंत्र तथा फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना किसने की थी? चितरंजन दास जी ने, मोतीलाल नेहरू ने,
सुभाष चंद्र बोस ने या चंद्रशेखर आजाद ने, तो प्रजातंत्र दल और फॉरवर्ड ब्लॉक जैसे दलों की स्थापना की थी सुभाष चंद्र बोस ने। ऑप्शन साहब बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 67 है, पॉवर्टी एंड द अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसकी पुस्तक है? दादा भाई नौरोजी की, सुभाष चंद्र बोस की, मोतीलाल नेहरू की या चितरंजन दास की? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, दादा भाई नौरोजी की पुस्तक है ये। क्वेश्चन नंबर 68 है, गोखले भारत का हीरा, महाराष्ट्र का रत्न और मजदूरों के राजा थे, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक ने, सुभाष चंद्र बोस ने, महात्मा गांधी ने या फिर दादा भाई नौरोजी ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, लोकमान्य तिलक ने ये कहा था। क्वेश्चन नंबर 69 है, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर या फिर कोई नहीं? तो आपको अच्छे से पता है कि संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, और संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, और संविधान निर्माता सभा के अध्यक्ष कौन थे? वो भी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है ये आप लोगों को जानना है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या है आप लोगों को पता है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 70 है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? सी राजगोपालाचारी, सुभाष चंद्र बोस, महात्मा गांधी या इनमें से कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, सी राजगोपालाचारी। क्वेश्चन नंबर 71 है, आराम हराम है, हु लिव्स इफ इंडिया डाइज, पूर्ण स्वराज किसका कथन है? तो राइट आंसर है ऑप्शन ब, जवाहरलाल नेहरू का। क्वेश्चन नंबर 72 है, हे राम भारत छोड़ो किसका कथन है? आप लोगों को अच्छे से पता है कि ये किसने कहा था भारत छोड़ो, और हे राम महात्मा गांधी जी ने। क्वेश्चन नंबर 73 है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह किसका कथन है? हम सभी लोगों को अच्छे से पता है कि यह कथन किसका है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह कहा था बाल गंगाधर तिलक जी ने। क्वेश्चन नंबर 74 है, मेरे सिर पर लाठी का एक एक प्रहार अंग्रेजी शासन के ताबूत की कील साबित होगा, यह कथन किसका है? दोस्तों साइमन कमीशन के खिलाफ लाला लाजपत राय जी के लीडरशिप में एक आंदोलन क्रिएट किया गया था, एक आंदोलन चलाया गया था, और उसमें लाठियों से जो अंग्रेजी सैनिक थे उन्होंने इनके ऊपर बहुत सारी लाठियां चलाई थी लाला लाजपत राय जी के ऊपर, जिससे उन लाठियों की के प्रहार से इनकी मृत्यु हो गई थी। तो ऑप्शन ब जो है लाला लाजपत राय, ये बिल्कुल राइट आंसर है, आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 75 है, गोखले के आध्यात्मिक एवं राजनीतिक गुरु कौन थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, एम जी रानाडे। क्वेश्चन नंबर 76 है, मैं देश की मिट्टी से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, यह किसका कथन है? महात्मा गांधी का, पंडित जवाहरलाल नेहरू का, लाला लाजपत राय का या दादा भाई नौरोजी का? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, महात्मा गांधी का। क्वेश्चन नंबर 77 है, महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले क्या थे? इनके राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 78 है, सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले, देश बंधु चितरंजन दास, जवाहरलाल नेहरू या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर है ऑप्शन ब, देश बंधु चितरंजन दास जी क्या थे? सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे। क्वेश्चन नंबर 79 है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? हिटलर ने, एम जी रानाडे जी ने, गोपाल कृष्ण गोखले जी ने या फिर मोहम्मद अली जिन्ना ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन अ, एडोल्फ हिटलर। यानी कि हिटलर ने सुभाष चंद्र बोस को नेताजी की उपाधि दी थी, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 80 है, दिल्ली चलो, जय हिंद, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, आप लोग समझ गए होंगे ये किसका कथन है, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, जय हिंद दिल्ली चलो, ये सभी नारे थे किसके? सुभाष चंद्र बोस जी के। क्वेश्चन नंबर 81 है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता दोस्तों हुआ था 5 मार्च 1931 को। क्वेश्चन नंबर 82 है, किसने आजाद हिंद फौज का पुनर्गठन किया था? महात्मा गांधी, पंडित नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या भगत सिंह? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 83 है, इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी दादा भाई नौरोजी ने, चंद्रशेखर आजाद ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने या सुरेंद्र नाथ बनर्जी ने? तो इंडियन एसोसिएशन की स्थापना की थी सुरेंद्र नाथ बनर्जी
और आनंद मोहन बोस जी ने। तो यहाँ पर दोस्तों देखिए सुरेंद्र नाथ बनर्जी दिया हुआ, तो राइट आंसर ऑप्शन द होगा। और यहाँ पर केवल और केवल यही ऑप्शन सही है, ठीक है। और कहीं कहीं आपको दादा भाई नौरोजी भी दिखेगा, लेकिन राइट आंसर सुरेंद्र नाथ बनर्जी हैं और साथ ही इनके साथ आनंद मोहन बोस भी थे। क्वेश्चन नंबर 84 है, 1857 की क्रांति के लिए तिथि निश्चित की गई थी। दोस्तों तिथि निश्चित की गई थी 10 मई 1857। क्वेश्चन नंबर 85 है, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? देवेंद्र नाथ टैगोर ने, केशव चंद्र सेन ने, राजा राम मोहन राय ने या महादेव गोविंद रनाडे ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन सा, राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी, आपको अच्छे से पता है। क्वेश्चन नंबर 86 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, व्योमेश चंद्र बनर्जी, सुरेंद्र नाथ बनर्जी या फिर फिरोज शाह मेहता? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। नाम याद रखिएगा आप लोग, ये प्रथम अध्यक्ष बनाए गए थे राष्ट्रीय कांग्रेस के। क्वेश्चन नंबर 87 है, चौरी चौरा कांड कहाँ हुआ था? आप सभी को अच्छे से पता है कि चौरी चौरा कांड हुआ था गोरखपुर में। ऑप्शन 88 है, फॉरवर्ड ब्लॉक का गठन किसने किया था? जयप्रकाश नारायण ने, सुभाष चंद्र बोस ने, जवाहरलाल नेहरू ने या मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ने? तो राइट आंसर है दोस्तों ऑप्शन बा, सुभाष चंद्र बोस ने। क्वेश्चन नंबर 89 है, धन निष्कासन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? दादा भाई नौरोजी ने, गोपाल कृष्ण गोखले ने, बाल गंगाधर तिलक ने, लाला लाजपत राय ने? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, दादा भाई नौरोजी ने। क्वेश्चन नंबर 90 है, भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारत में हरित क्रांति का जनक कहा जाता है डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को। नाम याद रखिएगा आप लोग। क्वेश्चन नंबर 91 है, उत्तर प्रदेश कितने मंडल में विभाजित है? 18 मंडल, 19 मंडल, 20 मंडल या फिर 21 मंडल? तो राइट आंसर है ऑप्शन आ, 18 मंडल। क्वेश्चन नंबर 92 है, निम्नलिखित में से कौन खरीफ की फसल है? चना, सरसों, मूंग या फिर मटर? तो जो फसलें गेहूं के साथ बोई जाती हैं वो होती हैं रबी की फसलें, और जो धान के साथ बोई जाती हैं वो होती हैं खरीफ की फसलें। तो चना, सरसों, मटर ये तीनों ही हो गई रबी की फसलें, तो बची कौन सी? ऑप्शन सा, मूंग, यानी कि मूंग क्या हो गई? खरीफ की फसल हो गई। क्वेश्चन नंबर 93 है, चारकुला प्रमुख लोक नृत्य है कहाँ का? बुंदेलखंड का, ब्रजभूमि का, अवध का या पूर्वांचल का? तो ऑप्शन बा जो है ब्रजभूमि, ये चारकुला यहाँ का प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 94 है, कैगा परमाणु ऊर्जा उत्पादक केंद्र भारत के किस प्रदेश में है? तो कैगा कर्नाटक में है, क से कैगा और क से कर्नाटक। ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 95 है, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? आप सभी को पता है कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 96 है, जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? कानपुर, गौतम बुद्ध नगर, प्रयागराज या बनारस? तो राइट आंसर है ऑप्शन बा, गौतम बुद्ध नगर। क्वेश्चन नंबर 97 है, भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है राष्ट्रीय राजमार्ग 7, यानी कि NH7, नेशनल हाईवे 7। क्वेश्चन नंबर 98 है, योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग की स्थापना निम्नलिखित में से किस वर्ष हुई? दोस्तों योजना आयोग का नाम बदल करके नीति आयोग कर दिया गया 2015 में। तो ऑप्शन बा जो है ये बिल्कुल सही है, और इसका जो प्रधान अध्यक्ष होता है वो होता है भारत का प्रधानमंत्री। तो इस तरीके से दोस्तों जितने भी क्वेश्चन थे आपके SST के मोस्ट इम्पोर्टेंट बहुविकल्पी क्वेश्चंस को, सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को मैंने करा दिया। दोस्तों आपको सभी विषयों की फोर्थ सेमेस्टर के सभी विषयों की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मैं दे देती हूँ। हर एक विषय को आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, देख सकते हैं, और जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछ सकते हैं। यहाँ पर आई बटन आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर भी क्लिक करके आप सभी विषयों को देख सकते हैं और सभी विषयों को पढ़ सकते हैं। और आपको कहीं किसी प्रकार की कोई भी समस्या है तो आप हमसे पूछिए। फोर्थ सेमेस्टर की तैयारी हम बहुत ही अच्छे से करा रहे हैं आप लोगों को। आप हमारे सभी वीडियोस को देखिए, पुरानी भी बहुत सारी वीडियोस हैं जो हमने ऑलरेडी आप लोगों के लिए बनाई है। तो ऐसे ही बने रहिए चैनल से और सभी वीडियोस को देखते रहिए। आपको जहाँ कहीं भी कोई भी समस्या है हमसे पूछते रहिए। तो एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे ही चैनल से बने रहिएगा। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया आपने तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और बगल में घंटी का निशान होगा
उसको भी प्रेस कर दीजिए ताकि हम जो भी नई वीडियोस बनाते हैं उन सभी का नोटिफिकेशन आप लोग के पास समय से पहुंचे और आप हमारे सभी वीडियोस को ऐसे ही देखते रहें। टेलीग्राम चैनल से आप हमारे जुड़िए। टेलीग्राम चैनल पर आपको सभी विषयों की पीडीएफ हम बिल्कुल फ्री पीडीएफ देते हैं और सभी विषयों के आपको हैंड रिटन नोट्स भी मिलेंगे। बस आप ऐसे चैनल से बने रहिए और सभी वीडियोस को देखते रहिए और ऐसे अच्छे से तैयारी करते रहिए। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, अपने परिवार का ख्याल रखिएगा और ऐसे चैनल से बने रहिएगा।